सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के Y20 फोन के सेटिंग के बारे में। है तो अगर आपके पास वीवो का Y20 फोन है, आप चाहते हो एक्स्ट्रा डी मोड को इनेबल करना एंड ऑन करना चाहते हो, तो कैसे ऑन करना है मैं आपको बताने वाला हूं अपने वीवो के Y20 फोन के सेटिंग से। तो फाइनली दोस्तों, आप एक्स्ट्रा डी मोड को कैसे यूज करना एंड इसका मतलब क्या होता है मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो फाइनली दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा रिमोट सेटिंग के बारे में। हाँ दोस्तों, एक्स्ट्रा रिमोट इनेबल करने के बाद आपकी जो बैटरी का प्रॉब्लम है यहाँ पे सोल्व हो जाता है, जो कि एक्स्ट्रा रिमोट से आपका स्क्रीन का लाइट यहाँ पे कम हो जाती है। तो मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ कैसे आप अपने फोन के सेटिंग से इसको ऑन कर सकते हो। तो चलता हूं मैं फोन के स्क्रीन पे और आप लोग को चल के बता देता हूँ। वेलकम टू माई YouTube चैनल टेक्निकल सलमान। तो फाइनली दोस्तों, साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि अगर आपके पास वीवो का Y20 फोन है, आप चाहते हो यहाँ पे एक्स्ट्रा डी मोड को इनेबल करना, जो कि ऑन करना चाहते हो, तो कैसे आप ऑन करना है मैं आपको चल के बताता हूँ। तो जैसे आप अपने फोन के सेटिंग में आएंगे, उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता होगा स्टेटस, यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि इस तरीके का मिल जाएगा एक्सेसिबिलिटी। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे मिल जाएगा एक्सेसिबिलिटी और यहाँ से आप जैसे इसको ऑन करोगे, उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे एक्स्ट्रा डीम को ऑप्शन, यहाँ पे देख सकते हैं एक्स्ट्रा डीम मोड को ऑप्शन देखने को मिल जाता है और इसको आप इस तरीके से ऑन करोगे तो आपकी जो स्क्रीन की लाइट है यहाँ पे कम हो जाती है, जो कि स्क्रीन की लाइट आपकी कम हो जाती है, जो कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आप जैसे इसको ऑन करोगे तो आपकी स्क्रीन की लाइट कम हो जाएगी एंड इसको जैसे आप ऑफ करोगे तो आपकी स्क्रीन की लाइट तेज हो जाएगी। यहाँ पे इसका भी प्रॉब्लम मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे आप इसको ऑन कर देते हो तो आप यहाँ पे इनेबल कर दोगे, उसके बाद आपका यहाँ पे स्क्रीन की लाइट कम हो जाती है एंड यहाँ पे आप इसको ऑन कर ऑफ कर दोगे तो आपकी स्क्रीन की लाइट यहाँ पे बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है उसके नीचे आपको डार्क मोड थीम्स का ऑप्शन, तो यहाँ पे डार्क मोड थीम्स भी इसमें यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको कंट्रोल पे आते हो और यहाँ से भी आप इसको ऑन कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे यहाँ से भी आप इसको इनेबल कर सकते हो, जैसे यहाँ पे इसको इनेबल करोगे, जब वहां से आप उसको ऑन कर दोगे तो यहाँ पे आपको आके यहाँ पे इसको ये जो है डिम मोड यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ से भी आप बाहर से जो कि कंट्रोल सेंटर से आप इसको इनेबल कर सकते हो, जब भी आपको मन करे बंद कर सकते हो एंड ऑन कर सकते हो एक्स्ट्रा डिम मोड को। तो अच्छी बात है, यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे आप इसको यूज करोगे तो यहाँ पे स्क्रीन की लाइट कम हो जाएगी एंड इससे आपकी बैटरी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। तो ये बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने फोन में यूज कर रहा हूँ, आप भी अपने वीवो के Y20 फोन के सेटिंग से इसको ऑन करके एंड यूज कर सकते हो एक्स्ट्रा डी मोड सेटिंग को। और यहाँ पे आपको जैसे मैं आपको बताया एक्सेसिबिलिटी में आप जाके इसको इनेबल कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको एक चीज और बता देता हूँ, अगर आपके पास फंड टच ओएस 12 अपडेट हो चुका है तो यहाँ पे आपको एक फॉन्ट का भी ऑप्शन देखने मिल जाएगा, फॉन्ट का भी कलर, यहाँ पे फॉन्ट का साइज भी यहाँ पे बड़ा कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, तो जैसे आप यहाँ पे आते हो यहाँ पे टेक्स्ट पे, उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको भी आप इनेबल कर सकते हो, जो कि फॉन्ट का साइज भी बढ़ा सकते कर सकते हो। उसके बाद आपको मिल जाएगा एक ऑप्शन और, यहाँ पे आपको बताता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको पावर बटन जो कि एंड कॉल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसको भी आप इनेबल कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आपको मैंने बताया यहाँ पे एक्स्ट्रा डी मोड का ऑप्शन, जो कि एक्स्ट्रा डी मोड ऑप्शन जो है और भी बेटर, यहाँ पे आप इनेबल करोगे तो लाइट कम हो जाएगी एंड ऑन करोगे ऑफ करोगे तो लाइट कम हो जाएगा। तो इस तरीके का फीचर्स है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपके फोन में फ्रंट टच ओएस 12 अपडेट आ चुका है तो ये फीचर्स जरूर देखने को मिल गया होगा, तो आप इसको इनेबल कर सकते हो अपने वीवो के Y20 फोन के सेटिंग से। तो आई होप आप लोग को यहाँ पे पूरे तरीके से मैं आप लोग को बता दिया हूं कैसे आप यहां पे एक्स्ट्रा डी मोड सेटिंग को इनेबल कर पाओगे एंड कैसे यूज करोगे, सब कुछ इस वीडियो में मैंने आप लोग को पूरे फुल डिटेल में समझा दिया हूं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय दोस्तों।